मम्मी सही है, मैं जी मुते मुते यहाँ सुबह सुबह बना रहे हैं आलू के परांठे, है मम्मी? और पापू ने सबसे पहले खा भी लिए हैं, है पापा? तो तभी बना रहे हैं, ग्राउंड जाने के रहे आज खाने के लिए। ब्यागा ब्यागा बाप के तगड़ी वो खिला के रही है मम्मी। भाई साहब चेहरे पे मुस्कान सबके। बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और क्या ये पहलवान क्यों घूम रहे हैं ऐसे? फसल कटाई है, फसल कटाई, हमें तो फसल ही नहीं है मम्मी जी, हम क्या कटाई करेंगे? लोगों को तो है, तभी आएगी हमारे को खाने को, अगर दूसरों को होगी तो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे खेत तो खाली है, नंदी बाबा जी ने कर दिए हैं। लवली प्लेट इस क्यों लगाया मम्मी? मासी यानी खांदे की हुआ है, मासी आन की बना। रुका मासी जी बैठा बैठा है। ओ मैं जाना, मैं दे ओए प्लेट दे दे कर। ये लीजिए मम्मी जी। लवली भैया आप क्या कर रहे हैं? रोटी खाने। आपने नहीं खाओ खाना? लवली भैया को देख के मुझे किसकी याद आती है बताओ? वो कौन सी मूवी थी जिसमें सीएम बनाते हैं अनिल कपूर? है ना मम्मी? क्या ना, एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन के लिए सीएम बनाया गया है। काश मेरे बेटे को भी एक दिन के लिए कोई सीएम बना दे। बनना चाहोगे आप? ना वो भैया है खाने फिर ये 5 साल ही ना डे होने अंदर है ना सर। 5 साल में सारी जिंदगी। हाँ है ना मम्मी? 5 साल से देना टाइम। अच्छा काम करेंगे, 21 दिन तो कुछ भी नहीं होता। ताए तो देना टाइम, अच्छा काम फिल्म अच्छी हो है भाई साहब, मेरे अच्छे काम करके ताए तो देना। कोटर ऑर्डर मन बोलने पर भी नहीं आओ रिपोर्ट ता। हाँ। तो मेरा एक दिन बोलना है ना छड्डा पर इस पे लंबी जो पेंशन लगी नहीं पर ये और क्या है अभी पेंशन लगी नहीं पर ये लंबी जो पूरी जिंदगी सैटी के बोर्ड पर रख दी है कुर्सी तोड़ने के दिन पूरे ओ बोले पेंशन लैंडर तो मत बना दी कुछ खाने के लिए भारी राजनीति ऐसी चीज है ना जिसमें पता ही आपको अपने हिमाचल की राजनीति इस वक्त सबसे आई थिंक किसी ने नहीं देखा जैसा दौर इस वक्त चला है। मतलब एक दूसरे का इतना गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना एक दूसरे के प्रति, राजनीति में आम आदमी को नहीं जाना चाहिए मम्मी, है ना? और आम आदमी को जाता भी नहीं है इतना। ये क्या है? अरे सेरेमनी करना मुझे थोड़ी, अगर तुम्हें कुछ बोली तो फिर दिला पर लाना कोई कहा नहीं, सबका एक सा सिस्टम है। और मम्मी शाम को कहते हैं आलू के परांठे खाने हैं, आलू के परांठे खाने हैं। और नहीं इनके बारे में बात नहीं करनी, ये नहीं है बात के काबिल, सच बोलता हूँ। हमें अपना काम करना चाहिए, आम आदमी को खुद का पेट खुद ही पालना पड़ता है, कोई नहीं पूछता। आपके घर वाले आपके लिए करेंगे मम्मी, है ना? बाहर के झमेलों में मत पड़ो, वो एक ड्रामे है ना, वो खुद के मजे कर रहे हैं। और इस बार हमारा वोट उस इंसान के लिए जाएगा जो कि हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे, रोजगार के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर है। बिश्क मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं यहाँ से अच्छा कमा रहा हूँ फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडिया से, तो मुझे नहीं चाहिए। अपने और भी भाई बंधु हैं, उनको मौके मिलने चाहिए, नई नई चीजें आनी चाहिए जिससे हमारे यूथ आगे बढ़े, है ना? सबके लिए होना चाहिए, तब उनको वोट दो। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को बुरा बोले उनको देना ही नहीं है, सीधी सी बात है। और किसी पार्टी के होना भी नहीं चाहिए, एक समझदार पढ़े लिखे इंसान को दो जी, जिसकी सोच अच्छी है, जो जनता के हित में बात करता है, ना कि एक दूसरे पे आरोप करते हैं। सो वोट उसी के लिए है। क्या हुआ? सब कुछ आगे तब बढ़ेगा जब देश आगे बढ़ेगा। वो मुझे करना है गिलास गरम। अरे नहीं, जब लोग आगे बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। रथ के चार पहिए चलते तभी चलेगा रथ। थोड़ी घोड़ा दवाई करके कल लंग रथ रहेगा पीछे। सबसे बड़ी बात अभी लवली भैया हमें बताएंगे अर्थव्यवस्था के ऊपर। हमारी अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे? अभी 5वें पे है ना? 2014 में कितने नंबर पे थी? 10 पे।
दस पे थी तो क्या हुआ, पांच पे होगी तो ये बताओ मुझे, अर्थव्यवस्था पांच पे होगी तो क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, कैसे बढ़ गई, अब थोड़ा समझाइए, जनसंख्या बढ़ गई, थोड़ा समझाइए, जनसंख्या ज्यादा फर्क थोड़ी है, 10 करोड़ ही बढ़ी, हाँ 10-20 करोड़ बढ़ेगी, चलो अल सेंसिस नहीं होता, कुछ नहीं बोला जा सकता है, बिना जनगणना के कोई भी आंकड़े कुछ नहीं सही होते हैं, और 2000 में जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से वो चीजें हुई, और 2024 तक डाटा भी प्रॉपरली रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि डाटा जब प्रॉपर आता है तो हर एक चीज पूरी ब्रीफ में आती है कि क्या बेरोजगारी दर है, कितनी महंगाई दर है, पर बंदा क्या क्या चीजें सही बैठ रही हैं, तब वो प्रॉपर डाटा आता है, तो क्यों है प्राइवेट हो ना, हाँ? अगर सर कोई फॉर्म भर नहीं, चलो एक चीज बताओ, ठीक है, चेड़ा लिखा क्यों बेरोजगार है, चाहे 2 लाख की तो, अरे उस चीज को जानने दीजिए, आपसे भी जो सवाल पूछा जा रहा है उसके बारे में बताइए, मैं नेता हूँ, जो पूछेगा मैं उसका आंसर नहीं दूंगा, मैं दूसरे का आंसर, मैं वही करूंगा जो मेरा, मम्मी मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा, मैं वही करूंगी, एक लड़की का कोई वीडियो फायरिंग है ना, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा, बेटा बोलेगा मैं तो वो ही करूंगी, नहीं एक सिंपल चीज बताओ, अर्थव्यवस्था पांचवे नंबर पर होगी ना, तो क्या सर सच दूसरा कुछ बेनिफिट होया, जीडीपी पर 10 है अर्थव्यवस्था, हाँ जितनी प्रोडक्शन हुई कुछ भी हो, तो क्या आम आदमी को उससे बेनिफिट हुआ, जीडीपी कैसे बनती है बताइए, टोटल प्रोडक्शन कंट्री, मतलब बढ़ेगी, एक नंबर वन चीज क्लियर हुई, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, हाँ डिमांड बढ़ेगी, लोग बढ़ी के लोग चीजें चाहिए, कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई थी, तो सच बेनिफिट हो यार देशो, टैक्स बढ़ी खाने दे रोटी खाने दे शो, टैक्स आई है सरकार अभी भरी भरी, अच्छा हाँ टैक्स जीएसटी के बाद टैक्सेस बहुत ज्यादा आए उधर, अच्छा तो मतलब लास्ट साथ में क्या होता है की कितनी ग्रोथ है पर पर्सन, तो पर कैपिटा इनकम हुई पर पर्सन, वो तब लगेगी पता जब जनगणना होगी, कौन सा शैम्पू, मैं तो एक दो दिन लगाया बस, मैं लगाया शैम्पू बोबो ने जवाब मम्मी जी को इतना फ्रूट लियाना ना सुनील लियाना, दो दो किलो चार चार किलो नार सेब अंब, पता क्या बोलते हैं बच्चे, इनके दिमाग बोलते ना, खा लिए तो खाने के लिए थे, खा लिए तो अच्छा किया, बर्बाद तो नहीं किए ना, अरे कुछ नहीं गोल लगा तो जो बाइक रुपये रुपये शैम्पू लंदी रहे दो उथे रखे रहे, मैं कपड़े सह होना सही था, दिखे ला सही था, मम्मी पसंद रहे इंजे फरारूप लगाते रहे है ना, पूरी बात जाने भी ना आप किसी पे कैसे आरोप पे प्रत्यारोप कर सकते हैं, ना होना लग रहा तीसरे तो बारी नहीं चोई सकती सही है, पूरा लत पथा लगी रहा होना, क्या लगता है मम्मी आपको, साथ तेरा दो फ्रिज चे है मम्मी, क्या लगता है आपको, आप एक गृहिणी हो मासी तू भी है ना, तो क्या लगा तू कि अच्छे वक्त चीजा लेना कितने आसान है की मुश्किल कर राशन लेना ए टू जेड है मम्मी, बस होना ना होना लग गल है ना, कमाई के साधन बहुत है, अब पहले साधन नहीं थे, साधन तब पैदा होते उठेगा तब साधन होंगे, तो उठाता है पापा को हम कैमरे के अंदर लाएंगे नहीं, पापा ऐसे विवाद करते हैं, कुछ नहीं हुआ है, चंद परसों ने उनकी जेब में सारा, ये भूली सही बात है, 100 टके की 100 आदमी 100 करोड़ पता है आपको, हमारे किसान सिर्फ कुछ लाख रुपए के खातिर लोन लिया होता है नहीं चुका पाते, फसलें खराब हो जाती हैं तो वो मर जाते हैं, कि मम्मी है ना कि कुछ नजर से बुरे नहीं बनना, क्या कुछ लाख रुपए ले लोन नहीं चुका सके है ना, क्योंकि बैंक वाले टॉर्चर कराया है ना, जो पैसे नहीं देते है ना, टॉर्चर जोड़ा चक्के,
ऐसे देती कंसेशन तो मरता नहीं कोई। मरना है किसान, कितने किसान मर रहे हैं ना, बड़े किसान। और पता है सिर्फ कुछ साल पहले हजारों लाखों करोड़ किसी का टैक्स माफ कर दिया गया है, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है। क्या किसानों का कर देते तो क्या हो जाना था, है ना मम्मी? बनाना में तो बड़ा है क्या, एमपी के लिए खड़ा तो ना नहीं आपको? वोट करिए लवली भैया, लवली भैया या मम्मी है, मम्मी लवली भैया को खड़ा करें। कर हाले बंदे ना वोट कुछ तो जो जीरे वोट रहे ने क्या? अरे मैं दूंगा आपको वोट, आप खड़े हो मासी, तुम अभी देना है ना, चाहे बापा दो तो चाहे नहीं दो, है ना मम्मी? एक दो तीन पक्के है ना, पांच सात तो करवाए देंगे, पांच सात यारे अच्छी सोच है आपको, आगे बढ़ाएंगे हम, है ना? वो भाई आपको घड़ी है तो अलग तू भी आने तू आखरे खाने हां हां बोल आरे पकाना हां कुछ खाने तो बस कर दो बता ला मुझे दो बहुत है आखरे खांदे रहना मम्मी ला दे सुगियो कने बनाए दो मैं तो फिलहाल बाद में खाऊंगा भी दूध वगैरह लाऊंगा फिर उसके बाद खाएंगे सिर्फ चीजों से सिर्फ थोड़ा गप्पे शप्पे मार ले उतने हद तक ठीक है अदरवाइज सच्चाई सबको पता है और सभी समझदार है सबको सच्चाई पता है किसी को नहीं देखना चाहिए अपनी जिंदगी में देखा पर्सनली क्या चल रहा है आसपास क्या है फिर उस हिसाब से डिसीजन लो है ना कि क्या सच में सच है सभी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं सबको वोट दे दो किसी को मत छोड़ना प्रेम से बोलो हर हर महादेव जय श्री प्रभु